जब हम इस तरह से काम वाम कर रहे हैं लीक भी नहीं होने का टेंशन ना। अरे भाई एक छे पड़े हैं अभी मेकअप रूम मेरा बच्चा जिंदगी में तुम क्या अल्लाह भाई मैं तुम्हारा क्या भी में कौन बात कर रही है कहाँ से बात कर रही है मैं हैदराबाद से हैदराबाद से क्या नाम है आपका अलीजा अलीजा क्या कहना चाहेंगी आप और पागल की बच्ची है मैं आपको पसंद नहीं हूँ चले कोई बात नहीं मैंने कॉल क्यों दी टेंशन टेंशन क्या है इस बात में आपकी टेंशन नहीं है नहीं देखिए वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं हुई अगर आपको मैं पसंद हूँ तो ये अच्छी बात है अच्छा कभी खुदा ना खास्ता अगर आप रंगे हाथों पकड़े गए तो फरीदा आप आपके साथ क्या करेंगे क्या मतलब रंगे हाथों पकड़े मतलब जिस लड़की को देख रहे हैं या रंगे हाथों समझ में आता है क्या किसको मतलब वो आप समझ जाए ना मैं रंगे हाथों किसको कहते हैं पता भी है अब किसी को देख रहा हूँ तो रंगे हाथों थोड़ी होगा वो रंगे हाथों अच्छा लफ्ज नहीं होता अच्छा चले इस लफ्ज इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आप पता नहीं आप किस मूड में आई हुई है समझ नहीं आ रहा मुझे अब अगला सवाल अगर फर्ज करें कि मैं आपसे ये पूछूं आपकी पहली मोहब्बत यानी आपकी पहली शादी से भी पहले पहली दफा आपने किसी लड़की से मोहब्बत की हो तो वो कौन सी एज होगी आप आपने की है कभी पहली मोहब्बत आपको हुई है किसी से जी मैंने मोहब्बत की है और पहली अगर मोहब्बत जिसको कहें ना उससे पहले तो पता नहीं क्या तमाशा होता था लेकिन पहली मोहब्बत मैंने अपनी बीवी फरीदा से की है मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ बकवास कर रहा हूँ क्या मैं ये कुर्सी बता रही है किस तरह के शोज वगैरह कर रहे होते हैं आप लोग यार किसी को बुला के किसी के साथ तमाशा करना ये कहाँ कहाँ का तरीका है ये मतलब ये आप मुझे बुला के इतने साल मैंने काम करके फील्ड में झक मारी है जो आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं पर्सनल लाइफ के चीजों के तो बस करते रहिए अपना शो आराम से अरे छोड़ो यार बस ठीक है अरे एक जबीर भाई मुझे इस तरह के नहीं शो करने मुझसे मुश्किल होती है भाई ये करने में भाई आज का कंटेंट ऐसे बनाया हुआ था अबे यार जबीर भाई पहले ही तो बताया था आपको मुझे कोई कि थोड़े से सीरियस सवाल जा रहा है लाइव जा रहा है जबीर भाई जबीर भाई यार मैं अब नहीं करूंगी इस तरह के शो टेम्परामेंट लूज होता सामने वाले आर्टिस्ट का कर ले लूज आपने तो ये बिल्कुल वतीरा बना लिया रोज का कर ले लूज नहीं कर ले लूज क्या है मैंने एक और वतीरा भी सारे काम कर रहे हैं हम भी बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के यार आप हमेशा यही बोल रहे अल्लाह ताला आपको आपको शुरू से आपके अरे भाई लोग देख रहे हैं इस पे यार पब्लिक कोई हंसेगी इस पे कोई हंसेगी इस पे कोई हंसेगी भाई पाकिस्तान का नाम रोशन किया जिस तरह उमर भाई ने किया ऐसे हमारी जोड़ी ने भी किया पूरा हिंदुस्तान ने किया बात है इंसान को इंसान समझे जानवर ना समझे नहीं बात नहीं सुनो सर मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ बहुत इज्जत करता हूँ और जिंदगी भर आपकी इज्जत करता रहूंगा जिंदगी भर इंशाल्लाह करता रहूंगा लेकिन टेम्परामेंट टेम्परामेंट लूज नहीं करो खड़ा ना माँ बाप की दुआएं और जब भी माँ बाप की दुआएं ना कोई हमारे को नहीं हिला सकता हमारी नसीब की है जो लगी हुई है यहाँ पे हमारे नसीब की रोजी है हटा सकता है तो हटा दे हमारी रोजी तशरीफ रखिए यार इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को ऐसी की तैसी कर रहे हैं यहाँ पे अपनी
आजा चले जी, अब ले लेते हैं ब्रेक। आपको एक इंसान में और एक बदतमीज इंसान का फर्क पता चल गया। एक ब्रेक के बाद दोबारा में लैला की खुशी जो थी वो देखी जा सकती है। उन्होंने हाथ हिलाना शुरू किया, फोन सुनती रही और उनकी जो एंट्री थी उसे देखकर मीडिया वाले भी हैरान रह गए। मिल गया, मिल गया। उठा नहीं रहा, उठा नहीं रहा। सुबह के 10:30। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आप बताएं आपका क्या नाम है, आपने फोन किया है? जी मेरा नाम माहिरा खान है। हाँ, तो और अच्छा मैं, आपने हमसफर ड्रामा देखा है? कौन सा ड्रामा? हमसफर। हमसफर ड्रामा? हाँ जी। अच्छा, तो देखा है आपने? उसके देखने की जरूरत ही महसूस नहीं की। इतना जलजला ये वो और हमसफर ड्रामा में क्या आपको फिक्र है? हैरत हो रही है आपकी बात सुन के। अच्छा मेरी बात सुने, हद कर दिया आपने। नहीं नहीं, देखिए जलजला तो कल आया है ना। क्या अल्लाह का कहर नहीं होता क्या? ये हमको मुसलमानों के लिए थोड़ा सा, ये अल्लाह ताला ने थोड़ा सा होश करने के लिए काम किया है, होश करने के लिए। अगर हम होश पकड़े तो हम सब कुछ भूल जाए। सही कह रही हैं आप, समझे आप, सब कुछ भूल जाए। हम कुछ भी नहीं भूले। अच्छा, हम अपने अल्लाह ताला को नाराज करते हैं। नहीं, आप लोग ये नहीं सोचते क्या? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा मुझे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कहाँ चली गई आप? उन्होंने फोन ही बंद कर दिया। क्या लेक्चर में सुबह कुर्ते के ड्रेसेस पहने होते हैं फैशन, और खाने के प्रोग्राम गरीब को दिन रात खाने के प्रोग्राम, चाइनीज इटालियन, रोटी है नहीं इस कॉम में। आपने हाई कंजम्पशन सोसाइटी बना दी है, फैशनेबल सोसाइटी बनाई दी है। आपका भाई क्या रात को प्रोग्राम करता है? इज दैट पाकिस्तानी प्रोग्राम? ओके जी जमाल साहब, बहुत बहुत